हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आपका मेरे एक और ब्लॉग में। आज का वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, तो पूरा ज़रूर देखिएगा, मिस मत करना बिल्कुल भी। और वीडियो देखने के पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, जो भी फर्स्ट टाइम वीडियो को देख रहे हैं प्लीज़ सब्सक्राइब बटन दबा दें, वो भी फ्री में। फ्रेंड्स, आपको वीडियो में आवाज़ आ रही होगी बहुत, क्योंकि बहुत तेज़ बारिश हो रही है, तो आवाज आपको थोड़ी बियर करनी पड़ेगी क्योंकि बारिश बहुत तेज है, तो जल्दी आवाज आएगी। चलो कोई नहीं, चलिए कंटिन्यू करते हैं वीडियो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव इसलिए है क्योंकि आज की वीडियो में मैं बताने वाली हूँ कि अगर आप फर्स्ट टाइम कोलकाता आ रहे हैं तो आप क्या क्या जगह घूम सकते हैं। और दो सेगमेंट मैंने लिया है, एक जो लोग मार्केटिंग के लिए आते हैं और दूसरा जो लोग ऐसे ही घूमने आते हैं। तो दोनों के बारे में मैं बता दूंगी आप लोगों को आज इस वीडियो में। तो फ्रेंड्स, बहुत सारे जन कलकत्ता आते हैं मार्केटिंग के लिए क्योंकि यहाँ पे होलसेल मार्केट है। तो सबसे पहले मैं आज मार्केटिंग की ही बात कर लेती हूँ, उसके बाद घूमने के लायक यहाँ पे सिटी में क्या क्या है वो भी बता दूंगी आप लोगों को। तो जो लोग फर्स्ट टाइम कलकत्ता आ रहे हैं, एक तो सबसे पहले ध्यान रखें, अगर आपका अर्जेंट है तो फिर कोई सीज़न वाली बात नहीं है। अगर आप ऐसे ही आ रहे हैं फर्स्ट टाइम घूमने या फिर मार्केटिंग के लिए, तो गर्मियों में बिल्कुल भी ना आए। गर्मियों की छोड़ो, आप जून जुलाई में भी मत आए क्योंकि बहुत ह्यूमिडिटी रहती है बारिश के बाद भी। बेस्ट टाइम टू विजिट कोलकाता है अक्टूबर से आप आ सकते हैं, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी। ये फाइव मंथ्स आपके लिए सूटेबल रहेंगे अगर आप आराम से घूमना चाहते हैं, थोड़ा वेदर में आपको परेशानी नहीं हो, गर्मी ना लगे। और यहाँ का वेदर तो पूरा ह्यूमिडिटी वाला है, चिपचिप वाला, तो जो भी बाहर से आते हैं उन लोगों को बर्दाश्त नहीं होती गर्मी और धूप। तो उसके लिए मैं सजेस्ट करूँगी आप लोगों को कि आप अक्टूबर से लेके फरवरी या मार्च तक आराम से आइए। और ऐसे अर्जेंट काम है तो फिर कोई कभी भी आ सकता है। तो ये रही बात आप कौन सी वेदर आपके लिए सूटेबल रहेगा बेस्ट फर्स्ट टाइम अगर आप विजिट कर रहे हो तो। और दूसरी बात है कि जो लोग होलसेल प्रोडक्ट लेने के लिए आना चाहते हैं, फर्स्ट टाइम विजिट करना चाहते हैं, तो देखिए बहुत सारे कैटेगरीज हैं मार्केटिंग की। कपड़ों का मार्केट अलग है, ज्वेलरीज का अलग है, फैंसी आइटम्स का अलग है, हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स का अलग है। तो अगर आप एक कॉपी पेन लेके बैठ जाएंगे तो मैं नाम बता दूँगी मार्केट्स के, आप लिख लीजिए। और उसके अलावा भी अगर आपकी कोई क्वेरीज रहती है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं बॉक्स में, मैं बता दूंगी आप लोगों को। जितना मुझे आइडिया होगी मैं आप लोगों की पूरी हेल्प करने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले अगर आपको बड़ा बाजार कपड़ों का मार्केट करना है तो आपके लिए बेस्ट रहेगा बड़ा बाजार। बड़ा बाजार अगर आप हावड़ा स्टेशन ट्रेन से आ रहे हैं तो भी विद इन 10 मिनट्स आप पहुँच जाओगे, डिस्टेंस भी बहुत दूर नहीं है। तो बड़ा बाज़ार होलसेल मार्केट है, यहाँ पे आपको क्वालिटी चीज़ मिलने वाली है। जैसे भी मैं कहीं कि ऐसे नहीं बोलूँगी कि वहाँ ख़राब मिलता है, पर यहाँ पे फिर भी रिजनेबल रेट में आपको क्वालिटी प्रोडक्ट मिलने वाला है, ठीक है। और स्पेशली मारवाड़ी टेस्ट मिलने वाला है आपको, क्योंकि मारवाड़ी लोग के जो शादी में लहंगे पहने जाते हैं या जो साड़ियाँ है, और तो उनकी जो वर्क होती है और जो मटेरियल होता है कपड़ों का, वो यहाँ पे सबसे बेस्ट मिलता है इन रीज़नेबल रेट। मिलता और भी जगह होगा पर रीज़नेबल रेट में। तो आप बड़ा बाज़ार आ सकते हैं अगर आपको कपड़ों का मार्केटिंग करनी है, कपड़ों की, घाघरा, ब्राइडल, बेडशीट्स, कोई भी चीज़ से रिलेशन रिलेटेड। राम मंदिर में भी है बहुत सारी दुकानें, और बड़ा बाजार सत्यनारायण पार्क एसी के पास आसपास बांस तल्ला, बड़ तल्ला, सत्यनारायण पार्क एसी मार्केट के अंदर भी है मार्केट, वहाँ भी आपको प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे पर वहाँ होलसेल रेट में नहीं मिलने वाला है। आसपास में बांस तल्ला है, बड़ तल्ला है, कॉटन स्ट्रीट है, तो उनके इर्द गिर्द आपको सारे होलसेल प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे। तो ये रही कपड़ों की बात। और दूसरी बात, अगर आपको बैग्स चाहिए, फैंसी स्लीपर्स चाहिए, एसेसरीज चाहिए, तो आप न्यू मार्केट जा सकते हैं। न्यू मार्केट में आपको ड्रेसेस भी मिल जाएंगी, वहाँ भी अच्छे रेट में मिलती है,
पर वहाँ पे भी आपको बहुत रिजनेबल रेट में पर्स और ये फैंसी आइटम सारे मिल जाएंगे, न्यू मार्केट धर्मतल्ला स्प्लैनेट साइड में, ठीक है। वहाँ भी होलसेल के बहुत सारे फैंसी प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं। बड़ा बाज़ार में भी आपको फुट के ऊपर ही बहुत सारी चीज़ मिल जाएंगी रिजनेबल रेट में, नाइटीज़ है और अच्छी चीज़ें मिलती है। ऐसा नहीं है कि फुट पे मिल रहा है तो अच्छा नहीं मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये हो गई बड़ा बाज़ार की बात, न्यू मार्केट की बात कपड़ों के लिए। अगर आपको फैंसी आइटम्स चाहिए, जैसे कि अगर आप कोई हैंडमेड चीज़ों के उसमें से रिलेटेड करते हैं, काम से रिलेटेड आपका वर्क है, सपोज़ लेसेस है, फैंसी फ्लावर्स है, स्टोन्स है, क्रिस्टल्स है, बूटियाँ है, इस तरीके का प्रोडक्ट्स आपको चाहिए, तो आप खंगरा पट्टी में आपको मिलेगा। यहाँ का सबसे बड़ा होलसेल मार्केट है खंगरा पट्टी, जहाँ पे ये सब चीज़ें होलसेल में मिलती है। आप नोट कर लीजिए खंगरा पट्टी, ये भी आपको बड़ा बाज़ार से 5 मिनट के, मतलब हावड़ा स्टेशन और बड़ा बाज़ार के बीच में ही पड़ता है, मतलब सेंटर में ही पड़ता है। बड़ा बाज़ार ही है एरिया का नाम, पर सत्यनारायण पार्क और स्टेशन के से जब आप आएंगे तो वही मिड वे में पड़ेगा, ठीक है। और अगर आपको हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स चाहिए, हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स में सब कुछ आ जाएगा आपको, मतलब मोमबत्ती से लेकर के जार्स, फोटो फ्रेम्स, मतलब सब कुछ एसेसरीज। आपको हेयर एसेसरीज चाहिए, सुई चाहिए, धागा चाहिए, क्लिप्स चाहिए, क्लचर चाहिए, कुछ भी, तो आप बागड़ी मार्केट जा सकते हैं। यहाँ का सबसे बड़ा होलसेल मार्केट है बागड़ी मार्केट, वहाँ पे आपको डजन में, 6 पीसेस में, इस तरीके से आपको होलसेल में सारे सामान मिल जाएंगे। आपकी कोई भी इंक्वायरी होती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में डाल देंगे, मैं आपको सजेस्ट कर दूंगी, मतलब मुझे जितनी आइडिया होगी मैं आपको बता दूंगी कि ये चीज़ आपको यहाँ रिजनेबल में मिल जाएगी, ठीक है। तो ये बात होगी फ्रेंड्स मार्केटिंग की। रहने के लिए आप ऑनलाइन में सर्च करके आ सकते हैं, अगर आपको बड़ा बाज़ार में ही मार्केटिंग करनी है तो आसपास में वहीं पे कुछ कुछ धर्मशाला या होटल्स है, तो आप नीचे उतरोगे और मार्केटिंग किया एंड वापस चले, ऐसी भी बहुत सारी जगह हैं। तो ये हो गया आपके कपड़ों से रिलेटेड। और देखिए मॉल्स तो हर जगह ही होते हैं, तो मॉल्स के बारे में मैं क्या ही बताऊँ, मॉल्स का बता के कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि सब जगह सेम रेट्स में ही प्रोडक्ट्स मिलते हैं मॉल में तो। और सेकंड टॉपिक पे आते हैं घूमने जाने के लिए। इफ़ आप फर्स्ट टाइम कोलकाता विजिट कर रहे हैं तो आपको क्या क्या देखना चाहिए और यहाँ पे क्या क्या देखने लायक जगह है वो मैं बताने वाली हूँ, तो आप नोट कर लीजिए, ये सभी कॉपी में लिख लीजिए, जो आप आए तो भूले नहीं, आप 4-5 दिन लेके आए तो आराम से घूम पाओगे सब चीज़। और एक बार कलकत्ता आए तो स्ट्रीट फूड आराम से खाइए, मिठाई जी भर के खाइए, क्योंकि यहाँ के जितना यहाँ पे जो मिठाई आपको मिलने वाली है रिजनेबल रेट और क्वालिटी प्रोडक्ट में, छेना की स्पेशली मिठाई आपको और कहीं इंडिया में नहीं मिलने वाली है। तो स्ट्रीट फूड भी यहाँ का बहुत फेमस और टेस्टी है सब जगह का, स्पेशली कुछ पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और चलिए बात करते हैं घूमने जाने की। तो अगर विद इन सिटी आपको घूमने जाना है 1-1.5 घंटे के अंदर अंदर वाले एरिया में, तो आप जा सकते हैं विक्टोरिया मेमोरियल, इंडियन म्यूज़ियम, इको पार्क। इको पार्क मतलब इंडिया का सबसे बड़ा अर्बन पार्क है, तो आप ज़रूर विज़िट करें, पर ये सब जगह ठंड में ज़्यादा अच्छी लगती है पार्क वगैरह में जाना। इको पार्क में तो इतना बड़ा एरिया है कि आपका एक दिन में कवर होना मुश्किल है, पर आप 1 नंबर गेट पे ही जाना जरूरी जाओगे क्योंकि वहाँ पे 7 वंडर्स बने हुए हैं, तो कुछ अलग सा देखने को मिलेगा। इको पार्क घूम सकते हैं, इको पार्क के सामने ही अबेक्स म्यूज़ियम, वहाँ भी आप विजिट कर सकते हैं। और अगर आप नेचर लवर हो तो आप बोटानिकल गार्डन जा सकते हो, जहाँ पे वर्ल्ड का सबसे बड़ा बरगद का ट्री है, बहुत सा मुझे याद नहीं आ रहा कितने हेक्टेयर में फैला हुआ है, पर बहुत विशाल है, ठीक है, वर्ल्ड का सबसे बड़ा बरगद का ट्री है, मतलब कि पता भी नहीं है कि उसकी जड़ें कहाँ से निकल रही है, अभी ऐसी हालत है। तो आप बोटानिकल गार्डन जा सकते हो जो कि हावड़ा में पड़ता है। और अगर आप मंदिर जाना चाहते हो तो कालीघाट शक्तिपीठ है, आप कालीघाट मंदिर विजिट करिए, दक्षिणेश्वर मंदिर ज़रूर जाएं, वहाँ जाकर आपको बहुत अच्छा लगने वाला है। दक्षिणेश्वर का वीडियो भी मैंने डाला हुआ है,
आप मेरे वीडियोस में जाके देख सकते हैं। और विक्टोरिया मेमोरियल मैंने बता ही दिया है, कालीघाट, दक्षिणेश्वर मंदिर, बेलूर मठ जा सकते हैं, वहाँ भी आपको अच्छा लगेगा। बेलूर मठ का वीडियो भी मैंने डाला हुआ है, वो आप वीडियो देख के आइडिया ले सकते हैं। और साइंस सिटी, साइंस सिटी आप घूम सकते हैं आकर के, बच्चों को दिखा सकते हैं साइंस सिटी। ईडन गार्डन्स, ईडन गार्डन्स आपको पता ही है, मैचेस होते हैं, क्रिकेट स्टेडियम है, आप ईडन गार्डन्स देख सकते हैं, स्टेडियम भी है बगल में, गार्डन भी है। अगर आपको ज़ू घूमना है, बच्चों को घुमाना है, तो अलीपुर ज़ू जा सकते हो घूमने के लिए। अलीपुर ज़ू भी बहुत बड़ा ज़ू है और अच्छा लगेगा ज़ू घूम के आपको। और निक्को पार्क है, एम्यूज़मेंट पार्क है, बहुत सारे राइड्स हैं वहाँ पे, अगर बच्चों को ले जाना चाहते हैं तो वहाँ जा सकते हैं, निक्को पार्क। वाटर पार्क जाना है तो एक्वाटिका है, एक्वाटिका जा सकते हैं आप। बिरला मंदिर है, बिरला मंदिर तो मोस्टली हर सिटीज़ में रहता है, यहाँ का भी बिरला मंदिर अच्छा है, आप बिरला मंदिर ले सकते हो। तो देखिए मैंने आप लोगों को बता दिया, विक्टोरिया, इंडियन म्यूज़ियम, बिरला प्लेनेटोरियम है, वो विक्टोरिया के पास ही है। विक्टोरिया में कौन कौन रहता है बताऊंगी रुको। दक्षिणेश्वर मंदिर, बड़ा मंदिर, काली घाट और दक्षिणेश्वर मंदिर, बेलूर मठ, ये सब जगह मैंने आपको बता दी है मंदिरों के बारे में। ये तो रही सिटी की बात, अगर आप सिटी से थोड़ा दूर जाना चाहते हैं कहीं भी, जैसे आपके पास टाइम है, आप 4-5 घंटा अगर आप ज़्यादा दिन स्टे करते हैं और आप 4-5 घंटे के दूरी पे भी कहीं जा सकते हैं, तो आप मायापुर जा सकते हैं, इस्कॉन के हेडक्वार्टर्स। इस्कॉन का भी, मायापुर का भी वीडियो मैंने डाला हुआ है। और इस्कॉन टेम्पल जा सकते हैं, शांति निकेतन जा सकते हैं, और मंदारमनी जा सकते हैं, सी बीच है दीघा, मंदारमनी, दीघा तो मैं नहीं सजेस्ट करूँगी, पर मंदारमनी आप जा सकते हैं, सी बीच, शंकरपुर है। अगर थोड़ा और डिस्टेंस पे जाना चाहें सिटी से, तो ऐसे तो बहुत सारी जगह है अगर आप दूर जाना चाहें थोड़ा। और वेस्ट बंगाल की बात करूँ तो आप दार्जिलिंग जा सकते हो घूमने के लिए, वो सब तो चलो आप लोगों को भी आइडिया होगा। तो ये गंगा सागर, हाँ गंगा सागर आप जा सकते हैं आराम से, डायमंड हार्बर और गंगा सागर, तो वो बहुत बड़ा तीर्थ है, सबको पता है गंगा सागर, आप गंगा सागर विजिट कर सकते हैं। तो होप मैंने आप लोगों को आइडिया दे दी है मार्केटिंग की भी, और घूमने जाने के लिए यहाँ क्या क्या विजिट कर सकते हो। और स्ट्रीट फूड तो मस्ट ट्राई है यहाँ का, यहाँ के रसगुल्लास और छेना से बनी हुई सब मिठाई आप ज़रूर टेस्ट करें। यहाँ के पुचका बहुत फेमस है, झालमुड़ी, सब्जी कचौड़ी, ये सब आप ज़रूर ट्राई करें। होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।